चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा और एसपी अंजनेय वार्षणेय पर आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों पर विधायक विक्रम मंडावी की जीत सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष चुनाव के बजाय पक्षपातपूर्ण मतदान कराने का आरोप लगाया। हार के बाद पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कलेक्टर और एसपी को चुनौती देते हुए कहा कि अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उनके पास कलेक्टर के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं। चूंकि सत्ता में अब भाजपा है, इसलिए वे सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे। जो गतिविधि हुई है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बात करें हैं, चाहे एजुकेशन में भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे देवगुड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे पंचायत में जो तरफ भ्रष्टाचार हुआ है, काम करके मजदूर शोषण किया गया है, तमाम चीज के एक एक का हिसाब भी करेंगे। और जिनका लेन लगता है उनको वापस भी पैसा दिलाएंगे, और जिनका लगता है कि जबरदस्ती गबन हुआ है, चाहे विधायक ठेकेदार हो या ठेकेदार की ठेकेदार हो, सब वसूली होगा। कोई अच्छा नाम किसी समाज साथ सम्मान करना है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे सकती है, चाहे जाति वर्ग से महामहिम हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग से महामहिम बने हो, चाहे उससे पहले मुस्लिम वर्ग से जो महामहिम बने अब्दुल कलाम जी, तमाम जो वर्ग है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो उम्मीद आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर रखते हैं, जो जनमानस में अपेक्षा है, निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पर विचार करेंगे। और जनमत भाजपा का दिया है तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा। जनता के आशीर्वाद भाजपा के साथ था, अब बीजापुर में जनता ने भाजपा का आशीर्वाद दिया है, लेकिन यहाँ की जीत है, प्रशासन की जीत है, विक्रम मंडावी और कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया है, जो दिख भी रहा है, और जो आगे काम बचा हुआ है, निश्चित तौर पर हम अपने सरकार साथ बैठकर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो विकास के नाम पे अपने जेब भरने काम किए हैं, और जिस तरह से राशि और कोई कॉटेज बना रहे हैं, कोई रिसोर्ट बना रहे हैं, कोई कहीं कुछ ले रहे हैं, तमाम जानकारी हमारे पास है। सब चीज़ के ऊपर हिसाब करने दीजिए, सब चीज़ होगा। भाजपा ने संकल्प लिया है और संकल्प पूरा करेगी।